हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो कलाकंद। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंगो कलाकंद बनाने की सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2 कप चीनी, 2 कप आम की प्यूरी, 1 नींबू, 1 छोटी चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 10 से 12 बादाम है जिसे हमने कट कर लिया है, 10 से 12 पिस्ता है इसे भी हमने कट कर लिया है। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को फाड़ेंगे और पनीर बनाएंगे। तेज आंच पर हम दूध को गर्म करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद करेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब हम दूध को फाड़ेंगे। नींबू का रस हमने निकाल लिया है, नींबू के रस में हमने 1 बड़ा चम्मच पानी मिलाया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर से थोड़ा रस डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर से थोड़ा सा रस डालेंगे नींबू का रस डालने के बाद कुछ ही देर बाद दूध हमारे फट जाते हैं। देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है और अब हम इसे छन्नी में छानेंगे। पनीर को अलग करेंगे और पानी को अलग करेंगे। अब हम एक बर्तन के ऊपर छन्नी रखेंगे, मलमल का कपड़ा रखेंगे छन्नी के ऊपर और पनीर को छानकर अलग कर लेंगे। पनीर के ऊपर से सादा पानी डालेंगे ताकि नींबू की खटास निकल जाए। इस तरह से हम सारे पानी को अलग कर लेंगे। सारे पानी को हमने अलग कर लिया है, अब हम पनीर को बाउल में निकाल लेंगे। पनीर को हम प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम चीनी डालेंगे, मैंगो प्यूरी डालेंगे, मिक्स करेंगे। आंच को धीमी रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चीनी घुलने तक हमने पका लिया है, अब इसमें हम पनीर डालेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मीडियम आंच पर हमने लगातार चलाते हुए सूखने तक पका लिया है, अब इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे, आधा पिस्ता डालेंगे, आधा गार्निश के लिए रखेंगे, आधा बादाम डालेंगे और आधा गार्निश के लिए रखेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, मिश्रण हमारा पैन से अलग होने लगा है, यानी कि ये बर्फ़ी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को जमाएंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए हम ट्रे को पहले घी से ग्रीस करेंगे। ट्रे को हमने घी से ग्रीस कर लिया है, अब हम मिश्रण को ट्रे में डालेंगे। मिश्रण को हमने ट्रे में डाल दिया है और अब हम इस तरह से फैला देंगे। मिश्रण को हमने ट्रे में अच्छे से फैला लिया है, अब हम बर्फ़ी की गार्निश पिस्ता से करेंगे।
और बादाम से करेंगे। हल्के हाथों से दबा देंगे। अब हम बर्फ़ी को सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही खुले हवा में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। कलाकंद हमारा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम कट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी कलाकंद हमारी बनकर तैयार है। मैंगो कलाकंद बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए और 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख कर खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।